नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट के साथ नीट 2019 के काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। जो भी आपके डाउट रहेंगे काउंसलिंग के रिगार्डिंग, इस वीडियो में मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर आप MCC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे MCC.NIC.in, तो यहाँ पर काफ़ी सारे न्यू अपडेट्स और नोटिफिकेशन आ गए हैं और इस वीडियो में हम उनके बारे में ही बात करेंगे। अगर आप MCC.NIC.in पर जाते हैं तो वहाँ पर आप देख पाएंगे कि फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन आ गए हैं। आपके जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है नीट 2019 के काउंसलिंग के रिगार्डिंग, MCC के रिगार्डिंग, वह यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं कि कौन कौन से डाउट यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। पहले क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि काउंसलिंग जो है MCC कौन सी सीट के लिए करेंगी। 15% ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स है और 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग MCC करने वाली है, या ऑनलाइन काउंसलिंग रहेगा। फुल प्रोसेस जो है वह ऑलरेडी अवेलेबल है, वेबसाइट पर जाइए और अपने काउंसलिंग के प्रोसेस वहां पर आपको मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, कौन से स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप नीट 2019 के एग्ज़ाम क्वालिफाई की है तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। थर्ड क्वेश्चन है, कितने चॉइस स्टूडेंट फिल कर सकते हैं चॉइस फिलिंग में। तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, जितने भी चॉइस फिलिंग आप करना चाहो आप के लिए अवेलेबल है। आपको जो है अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कॉलेज चूज़ करना है। फोर्थ क्वेश्चन, कि डीम यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग के लिए कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं। तो इसका आंसर भी सेम है कि अगर आप नीट के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हो तो काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो। फिर यहाँ पर आता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग के लिए कौन से कॉलेज आते हैं और कौन से स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री VMMC और SGH, ये सभी कॉलेज सेंट्रल काउंसलिंग पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ESIC काउंसलिंग के लिए कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है। रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी ऑफ ESI, 15% ऑफ सीट वुड बी एलोटेड थ्रू ऑल इंडिया कोटा एंड सीट लेफ्ट ओवर आफ्टर कंट्रीब्यूटिंग टू स्टेट कोटा वुड बी रिजर्व फॉर कैंडिडेट हु आर वार्ड्स ऑफ इंश्योर्ड persons of ESI. The data of insured person will be validated by ESI authorized and this will be incorporated in the NIC software. Next question, AFMS counseling के लिए कौन से student eligible हैं। तो यहाँ पर लिखा है उसके लिए आपको अलग से registration करना है और फिर आप उसके counseling पर participate कर पाएंगे। डिटेल जो भी है वह आपको MCC के वेबसाइट पर मिल जाएगी। What is All India Rank? यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट को पता है ऑल इंडिया रैंक का क्या मतलब होता है। आपका टोटल स्टूडेंट में आपका कितना रैंक आया है वह आपका AIR ऑल इंडिया रैंक है। कोटा रैंक के बारे में भी आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट एवर द कैंडिडेट हैव ऑल इंडिया रैंक कॉल फॉर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग एंड एलिजिबल फॉर काउंसलिंग एनीवेयर। अगर आप ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो क्या आप और कहीं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसका आंसर भी काफ़ी सिंपल है कि आप जो भी जितने भी कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए आप सभी कॉलेज की सीट आप सेव नहीं कर पाएंगे। एक टाइम में आपके पास एक ही सीट होनी चाहिए। अगर एंडिंग में ऐसा होता है आपको दो अलग अलग कॉलेज अलॉट हुआ है, आपने एक कॉलेज की सीट वेस्ट की है तो आपका एडमिशन जो है वह कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज़ फ्री एग्ज़िट। राउंड वन में अगर आप कॉलेज छोड़ना चाहते हो तो वह फ्री है, उसमें कोई पेनल्टी नहीं है। फिर ऑनलाइन अलॉटमेंट का प्रोसेस जो है वह यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि काउंसलिंग पर कितने राउंड रहेंगे। तो यहाँ पर टोटल दो राउंड रहेंगे ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग में और डीम यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग में तीन राउंड रहेंगे, राउंड वन, राउंड टू और मॉपअप राउंड। व्हाट डज एग्जिट विद फॉर फ्यूचर मीन। राउंड टू में अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है और आप उस कॉलेज को क्विट करना चाहते हो, उस सीट में आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, तो आपके जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वह रिफंड नहीं मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी डिटेल्स दी गई है, आप इन्हें देख सकते हैं।
और जैसे ही और भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगा मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।